हेलो एवरीवन, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज का पार्ट टू। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। आपके पास ऑप्शन है 1885 में, ऑप्शन बी 1888 में, ऑप्शन सी 1890 में, ऑप्शन डी 1895 में। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के बीच में। तो यहाँ पे जो सबसे क्लोज आंसर है वो क्या, ऑप्शन डी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। लेकिन अगर ऑप्शन ई होता तो सही आंसर आपका होता ऑप्शन ई। नेक्स्ट आते हैं, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? आपके पास ऑप्शन है संथाल, ऑप्शन बी है कच्छा नागा, ऑप्शन सी है कोल, ऑप्शन डी है बिरसा मुंडा। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, बिरसा मुंडा। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? आपके पास ऑप्शन है चंपारण, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है बलिया, ऑप्शन डी है अलीपुर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से भागलपुर तक था। नेक्स्ट आते हैं, 1899-1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? आपके पास ऑप्शन है सिद्धू, ऑप्शन बी है बुड्ढा भगत, ऑप्शन सी है बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी है शंभुदान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बिरसा मुंडा। 1899-1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट आते हैं, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? आपके पास ऑप्शन है कच्छ, ऑप्शन बी है सिंहभूम, ऑप्शन सी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी है सतारा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सिंहभूम। जो 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? तो सिंहभूम में हुआ था। इसके अलावा पलामू, हजारीबाग, मानभूम क्षेत्रों में हुआ था। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम में हुआ था। इसके अलावा पलामू, हजारीबाग और मानभूम। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि बुद्धो भगत के मृत्यु के बाद कोल विद्रोह का संचालन किसने किया था? तो गंगा नारायण ने। क्या नाम था? गंगा नारायण। नेक्स्ट आते हैं, हौज विद्रोह हुआ। आपके पास ऑप्शन है 1620-21 के दौरान, ऑप्शन बी है 1720-21 के दौरान, ऑप्शन सी है 1820-21 के दौरान, ऑप्शन डी है 1920-21 के दौरान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1820-21 के दौरान। हौज विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 के दौरान। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, हौज विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो संथाल परगना। हौज विद्रोह का केंद्र था संथाल परगना। नेक्स्ट आते हैं, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है सिंध, ऑप्शन डी है काठियावाड़, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजातियों ने किया था, और इसके अलावा सिंध के जनजातियों ने भी किया था अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? आपके पास ऑप्शन है विजयनगरम का राजा, ऑप्शन बी हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन सी है तमिलनाडु के पोलीगार, ऑप्शन डी है त्रावणकोर के दीवान वेलुथंबी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हैदराबाद का निजाम। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हैदराबाद के निजाम ने। बाकी सब ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट आते हैं, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी?
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिट्टन, ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिट्टन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लॉर्ड लिट्टन ने। और सेकंड जो एंग्लो अफगान वार हुआ था कब हुआ था, कौन से ईस्वी में, सेकंड एंग्लो अफगान वार कौन से ईयर में हुआ था, 1878 में, 1878 में सेकंड एंग्लो अफगान वार हुआ था। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, गंडमक की संधि कब हुई थी, गंडमक की संधि कौन से साल में हुई थी, तो 1879 में। नेक्स्ट आते हैं, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिट्टन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन ने 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लॉर्ड रिपन ने। अच्छा, कौन से ईयर में किया था, तो 1882 में, 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द हुआ था और आया कब था, 1878 में। नेक्स्ट आते हैं, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है जमींदारों के साथ, ऑप्शन बी है ग्रामीण समुदायों के साथ, ऑप्शन सी है मुकदमों के साथ, ऑप्शन डी है किसानों के साथ। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जमींदारों के साथ। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जमींदारों के साथ। और यह व्यवस्था जो थी कहाँ पे लागू थी, तो बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा और यूपी के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था थी यह बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, यूपी के वाराणसी में और उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। और इसमें क्या था कि भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था और 1/11 भाग अपने पास रखना होता था। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया, जमींदारों के साथ। और यह व्यवस्था कहाँ लागू थी, तो बंगाल में, बिहार, उड़ीसा, यूपी के वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक में। और इसमें क्या था, भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था और 1/11 भाग अपने पास रखना होता था। नेक्स्ट आते हैं, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, ऑप्शन बी है जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, ऑप्शन सी है भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, ऑप्शन डी है जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखो ऑप्शन बी भी सही है लेकिन जो मूल कारण था वो था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मूल कारण क्या था, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ऑप्शन बी भी सही है लेकिन मूल कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। नेक्स्ट आते हैं, कौन से साल में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1885 में, ऑप्शन बी 1886 में, ऑप्शन सी 1889 में, ऑप्शन डी 1900 में। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1885 में। नेक्स्ट आते हैं, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय द्वारा, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद द्वारा, ऑप्शन डी है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी, शिशिर कुमार घोष ने
नेक्स्ट आते हैं, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यू इंडिया, ऑप्शन बी है लीडर, ऑप्शन सी है यंग इंडिया, ऑप्शन डी है फ्री प्रेस जनरल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लीडर। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लीडर। अच्छा, इसके संपादक कौन थे? लीडर समाचार पत्र के संपादक थे मदन मोहन मालवीय जी, जो कि एक उदारवादी दल के नेता थे और इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, उन्नीसवीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? आपके पास ऑप्शन है बुद्धिजीवी को, दूसरा है नगरीय उच्च जातियाँ, तीसरा है निर्धन सर्वसाधारण वर्ग और चौथा है उदार राजवाड़े। उदार रजवाड़े। अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कूटों से करें। आपके पास ऑप्शन है केवल वन, ऑप्शन बी है वन एंड टू, ऑप्शन सी है वन टू एंड थ्री, ऑप्शन डी है वन टू एंड फोर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो देखो, उदार रजवाड़े तो थे नहीं, वन सही है, टू सही है और थ्री सही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, वन टू एंड थ्री। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बुद्धिजीवी वर्ग को, नगरीय उच्च जातियाँ, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, ये तीन आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वन टू एंड थ्री। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? आपके पास ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है श्रद्धानंद, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट आते हैं, इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है या युगदूत। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आपके पास ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है अरविंद घोष। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। और कौन से ईयर में हुआ था? 1815 में, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मो समाज की स्थापना की गई थी। आपके पास ऑप्शन ए 1816 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1820 में, ऑप्शन सी 1828 में, ऑप्शन डी 1830 में। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट आते हैं, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? आपके पास ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन सी है कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, विलियम बेंटिक ने। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आपके पास ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी है तिलक, ऑप्शन सी है एनी बेसेन, ऑप्शन डी है रास बिहारी घोष। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। और कौन से ईयर में हुआ था? 1867 में, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। और महादेव गोविंद रनाडे कब जुड़े थे इस संस्था से? तो 1869 में
महादेव गोविंद रनाडे जी प्रार्थना समाज से जुड़े थे। और इसका मोटो क्या था, प्रार्थना समाज का मोटो क्या था, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, बीपीएससी पूछता है कि प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था, तो आपको याद रखना है इसका प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। नेक्स्ट आते हैं, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी है राजाराम मोहन राय। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्वामी विवेकानंद। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ सकता है कि किसने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था स्वामी विवेकानंद को कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया। आपके पास ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक या एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट आते हैं, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन से साल में की थी। आपके पास ऑप्शन है 1861 में, ऑप्शन बी 1891 में, ऑप्शन सी 1893 में, ऑप्शन डी 1897 में। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, 1897 में। नेक्स्ट आते हैं, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। आपके पास ऑप्शन ए ब्रह्मो समाज, ऑप्शन बी है आर्य समाज, ऑप्शन सी है प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी है बहुजन समाज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आर्य समाज। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज, और आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1875 में, और दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था मूल शंकर। और इसका उद्देश्य क्या था, जो आर्य समाज था इसका मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था, तो प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। जो आर्य समाज था जिसकी स्थापना हुई थी 1875 में, इसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। नेक्स्ट आते हैं, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। आपके पास ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी है शिवनाथ शास्त्री, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फूले ने। और एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ से कि गुलामगिरी पुस्तक को किसने लिखा था, तो ज्योतिबा फूले ने, कौन से ईयर में, 1872 में। नेक्स्ट आते हैं, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। आपके पास ऑप्शन है मैडम एचपी ब्लावेट्स्की, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मैडम एचपी ब्लावेट्स्की। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मैडम एचपी ब्लावेट्स्की। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। आपके पास ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी है श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी है भक्ति लक्ष्मी देसाई, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा,
ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। अगर यही पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब क्या आंसर होता, सरोजनी नायडू। और इन्होंने अध्यक्षता कौन से अधिवेशन में की थी, तो कानपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट आते हैं, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पद्माबाई रानाडे, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी है ज्योतिबा फुले। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो देखो यहाँ पे तो आंसर होगा ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले, लेकिन अगर ऑप्शन में होता रामाबाई रानाडे तो आंसर वही सही होता। अगर ऑप्शन में आपका दिया होता रामाबाई रानाडे, तब आंसर क्या होता, रामाबाई रानाडे। जैसे ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, पद्माबाई रानाडे, तो अगर पद्माबाई की जगह पे रामाबाई होता रामाबाई रानाडे तो ऑप्शन ए सही होता, लेकिन यहाँ पे वो तो ऑप्शन रामाबाई रानाडे तो ऑप्शन में है नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट आते हैं, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन बी है आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन मोहनदास करमचंद गांधी, ज्योतिबा फुले, नौरोजी फुरदौनजी, ऑप्शन बी है आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नौरोजी फुरदौनजी। यहाँ पे मैंने दो ही ऑप्शन रखा है और सही आंसर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में एक ही है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज से, यंग इंडिया से मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले और रहनुमाई मजदेवसन नौरोजी फुरदौनजी। नेक्स्ट आते हैं, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन बी है साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। ऑप्शन सी है जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जाति के विरुद्ध उठाया गया कदम। ऑप्शन डी है निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था जो नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था, यह 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नेक्स्ट आते हैं, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1850 में, ऑप्शन बी है 1895 में, ऑप्शन सी है 1900 में, ऑप्शन डी है 1905 में, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1900 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट आते हैं, अवध के एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था। आपके पास ऑप्शन है सरकार को लगान देना बंद करना, ऑप्शन बी है जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, ऑप्शन सी है सत्याग्रह की समाप्ति, ऑप्शन डी है लगान का नगद में परिवर्तन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लगान का नगद में परिवर्तन। अवध के एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लगान का नगद में परिवर्तन। नेक्स्ट आते हैं, स्वामी सहजानंद का संबंध था। आपके पास ऑप्शन ए बिहार के जनजातीय आंदोलनों के साथ, ऑप्शन बी है बिहार के जातीय आंदोलनों के साथ, ऑप्शन सी है बिहार के किसान आंदोलनों के साथ, ऑप्शन डी है बिहार के मजदूर आंदोलनों के साथ। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। और यहाँ से आपको क्या याद रखना है, स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी।
अगर आपसे पूछते कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी सहजानंद ने, और इसके साथ ही भी अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सी आर दास, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी है भगत सिंह। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद सेप्टेम्बर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स से, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी से, ऑप्शन सी है हेनरी लॉरेंस से, ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ या इसे घेरे की नीति भी बोलते हैं, किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से। नेक्स्ट आते हैं, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन बी है रघुजी भोसले, ऑप्शन सी है दौलत राव सिंधिया, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। और सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कौन थे? तो हैदराबाद 1798 में जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। इसके बाद आपका किया था मैसूर ने 1799 में, मैसूर 1799 में। इसके बाद आपका तंजौर 1799 में। तो मैसूर और तंजौर दोनों ने कब किया था सहायक संधि को स्वीकार? 1799 में। इसके अलावा अवध का पूछता है एग्जाम में 1801 में। फिर पेशवा ने किया था 1802 में, अवध के बाद पेशवा ने किया था 1802 में। इसके बाद आपका बराड़ के भोसले, इन्होंने किया था 1803 में। और एक सिंधिया ने किया था 1804 में। सिंधिया ने सहायक संधि कब स्वीकार किया था? 1804 में। और इसके अलावा आपका हो गया जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी और भरतपुर, इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था। नेक्स्ट आते हैं, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। आपके पास ऑप्शन है 1858 में, ऑप्शन बी 1876 में, ऑप्शन सी 1877 में, ऑप्शन डी 1885 में। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1877 में। नेक्स्ट आते हैं, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? आपके पास ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी है केटी तिलैंग, ऑप्शन सी है डब्ल्यू सी बनर्जी, ऑप्शन डी है तैयब जी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह मेहता भी थे, केटी तिलैंग भी थे और बदरुद्दीन तैयब भी थे। तो ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन एसोसिएशन भारत संघ के संस्थापक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है ए ओ ह्यूम, ऑप्शन डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अच्छा, आपसे एग्जाम में पूछता है कौन से ईयर में स्थापना हुई थी इंडियन एसोसिएशन की? तो सही आंसर होगा 26 जुलाई 1876 को। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी?
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन बी है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन सी है आपका यंग बंगाल एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, और ऑप्शन डी है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, ऑप्शन ए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन बी है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन सी है यंग बंगाल एसोसिएशन, ऑप्शन डी है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। नेक्स्ट आते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 1874 में, ऑप्शन बी 1877 में, ऑप्शन सी 1885 में, ऑप्शन डी 1892 में, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, उन्हें कब हटाया गया था, 1874 ईस्वी में। नेक्स्ट आते हैं, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। आपके पास ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है सुरेंद्रनाथ, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट आते हैं, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई। आपके पास ऑप्शन है 1880 में, ऑप्शन बी 1881 में, ऑप्शन सी 1882 में, ऑप्शन डी 1883 में। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी 1884 में, और किसने की थी, बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू द्वारा की गई थी। तो सही आंसर क्या होगा, 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आपके पास ऑप्शन है 52, ऑप्शन बी है 62, ऑप्शन सी है 72, ऑप्शन डी है 82। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 72। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। आपके पास ऑप्शन है असैनिक सेवक थे, विज्ञानी थे, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है सामाजिक कार्यकर्ता, ऑप्शन डी है मिलिट्री कमांडर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे ईओ ह्यूम, वो क्या थे, एक असैनिक सेवक थे, ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। आपके पास ऑप्शन है कलकत्ता, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है पुणे। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, तेजपाल संस्कृत पाठशाला मुंबई में। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। आपके पास ऑप्शन ए गणेश अगरकर, ऑप्शन बी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है फिरोज शाह मेहता। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। और कब हुआ था, 1886 ईस्वी में। और इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने 1893 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वहाँ पे अध्यक्षता की थी, 1893 में लाहौर अधिवेशन में। और 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें भी दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। और एक और क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था,
इसी में इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ था। अब से पूछ सकता है एग्जाम में किस अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ था, तो दूसरे अधिवेशन में जो कि कोलकाता में हुआ था 1906 में और जिसकी अध्यक्षता 1886 में और जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट आते हैं, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? आपके पास ऑप्शन है, 1922 में, ऑप्शन बी है 1924, ऑप्शन सी है 1928, ऑप्शन डी है 1930, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1924 में। कहाँ पे हुआ था? बेलगांव अधिवेशन, और कौन से नंबर का था? 39वां अधिवेशन था। नेक्स्ट आते हैं और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? आपके पास ऑप्शन है भागलपुर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन डी है बांकीपुर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बांकीपुर। और कौन से ईयर में हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। तो ये तो था। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उनका नाम था आर.एन. मुधोलकर। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ था बांकीपुर में, इसकी अध्यक्षता की थी आर.एन. मुधोलकर ने। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।